टुडे टूडेज डे थ्री और द पी टी थ्री सिक्सटी फाइव डिस्कशन ऑफ इकोनॉमी राइट सो लास्ट हमारा टॉपिक जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं इट वॉज द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज एन तो अभी आई और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी इंडिया का ही एक यूनिवर्सिटी है बैंगलोर के अंदर ये उन्होंने so एक एमओ साइन किया था टू कलेबरेट ऑन क्लाइमेट रिसर्च अब वो काम का नहीं है बस एक सी थी अब थोड़ा सा जानते हैं ये नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज़ है क्या ये बेसिकली इंडिया का एक इनिशिएटिव था जो इंडिया ने प्रपोज किया था अंडर द ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज और इस बेसिकली इस फ्रेमवर्क के अंदर कर क्या रहे हैं हम लोग तो इसके अंदर जो प्रोडक्शन है अवेलेबिलिटी है और जो सारा रिसर्च वर्क जो हो रहा है रिलेटेड टू क्लाइमेट मॉनिटरिंग उसके रिलेटेड जो भी डेटा है और जो भी प्रोडक्शन सर्विसेज है उस डेटा के ऊपर बेस्ड जो भी प्रोडक्शन सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जाती है राइट right? तो अलग अलग सेक्टर हो गया जैसे क्लाइमेट सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हो गया हेल्थ हो गया डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हो गया एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी वाटर एंड अदर सेक्टर्स ऑल्सो तो बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी आपने डेटा गैदर किया उसके हिसाब से आप डिफरेंट एरियाज uh, के अंदर कुछ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करोगे जिससे कि उस एरिया के अंदर जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं टू मेक इट क्लाइमेट स्मार्ट और टू मेक इट क्लाइमेट रेजिलडेंट वो कर सकते हैं राइट फॉर दैट रीजन हम लोगों ने ये इनिशिएटिव जो है चलाया है नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज और ये किसके अंदर चला है तो यू शुड नो कि ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज के अंदर चला है और डिफरेंट कंट्रीज ने अब इसको अडॉप्ट करना चालू कर दिया तो इंडिया में इसके लिए नोडल एजेंसी कौन होगा तो वो होगा आई हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो इसका नोडल एजेंसी रहेगा अब बात करते हैं ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज की तो ये डब्ल्यू जो है विच इज द वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वो ये इनिशिएटिव को रन कर रहा है राइट और इसका एम ये है कि हमें क्लाइमेट स्मार्ट सोसाइटी हम लोग बनाएं और इंडिया इज ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस जो है उसका एक फाउंडिंग मेंबर भी है राइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बस इतना इतना पता होना चाहिए कि ये जो सर्विसेज है कौन प्रोवाइड कर रहा है और इंडिया का क्या रोल है इतना जान लोगे मोर देन सफिशियंट इससे ज्यादा जानने कोई की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो कुछ अदर क्लाइमेट रिलेटेड टर्म्स और जो न्यूज थी वो हमारा जानना जो जरूरी है वही पार्ट देखेंगे प्रलिम्स yeah, परस्पेक्टिव से पहला देखो इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड आइस्ट थ्री पॉइंट ओ ये किसने रिलीज किया ये नीति आयोग ने रिलीज किया है और दिस वुड बी अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म फॉर रियल टाइम डेटा ऑन एनर्जी सेक्टर क्लाइमेट एंड अदर रिलेटेड इकोनॉमिक डेटा सेट बेस्ड ऑन गवर्नमेंट पब्लिश सोर्सेज राइट तो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं, वो जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बेसिस पे हमारा जो एनर्जी ट्रांजेसन कैसा हो रहा है इन डिफरेंट सेक्टर्स चाहे एनर्जी हो या फिर इकोनॉमी uh, से रिलेटेड कोई भी इंडस्ट्री uh, हो या उस सेक्टर का एक एनर्जी ट्रांजेक्शन का जो भी डेटा है वो आपको आइस्ट पोर्टल के ऊपर मिल जाएगा और किसने बनाया नीति आयोग ने बनाया ये बताना चाहिए नेक्स्ट इवन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस काम के नहीं है बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है नेक्स्ट देखो द एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ई टी ए सी तो ये जो ई टी सी ए सी है इट वॉज एस्टैब्लिश इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन और किसने बनाया इसको दिस वॉज बेसिकली क्रिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है तो so, इसमें ये यूनिक चीज़ है कि जनरली हम लोग जब एनर्जी uh, सेविंग या एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट चल रहा होता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आएगा रीजन क्या है कि जो ट्रांजिशन है टूवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी और जो हमारे एग्जिस्टिंग एनर्जी सोर्सेज जैसे ऑयल एंड गैस वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं या वो कैसे एनर्जी जो है ट्रांजिशन कर सकते हैं टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी उसके लिए एक उनके लिए पाथ या एक उनके लिए फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन करने का काम ये एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी करती है ठीक तो ये पता होना चाहिए और कैसे हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं क्लीन एनर्जी सोल्यूशन लाइक हाइड्रोजन बायोफ्यूल्स न्यूक्लियर जियोथर्मल टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब के बारे में बात करती है तो अभी रिसेंटली इसने एक रिपोर्ट निकाला था द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर तो ये रिपोर्ट भी एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने निकाला था और ये जो रिपोर्ट है ये गवर्नमेंट को दिया गया था ठीक है तो ये पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो शॉर्ट लिव्ड हेलोजेंस तो शॉर्ट लिव्ड हेलोजन क्या होते हैं बेसिकली हमारे पीरियोडिक टेबल में कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम हेलोजेंस कहते हैं और काफी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं ठीक है या फिर हम कह सकते हैं कि रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं इन द सेंस कि ये ईजिली गेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है दे कैन ईजिली गेन इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है ये ग्रुप या क्या कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्लोरीन आता है ब्रोमीन आता है आयोडीन आता है ठीक है तो ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम हेलोजिनस बोलते हैं तो यहाँ पे एक रिपोर्ट था जिस रिपोर्ट के अंदर कहा गया कि ये जो ओशंस हैं हमारे ओशंस जो है वो बेसिकली शॉर्ट लिव्ड हेलोजिन रिलीज करते हैं जो एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं ठीक है जो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज है या जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनकी वजह से तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है लेकिन ये जो हैलोजेंस है इनकी वजह से कूलिंग हो रही है ठीक है तो थोड़ा सा आरोनिकल है सेंस में कि ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ गैसेस बोल सकते हैं एलिमेंट्स बोल सकते हैं जो कि कूलिंग क्रिएट कर रहे हैं हमारे प्लानट के ऊपर ठीक है अब इसके आगे एक वर्ड और या एडजेक्टिव और जुड़ा हुआ है विच, विच इज शॉर्ट लिव्ड तो शॉर्ट लिव्ड का मतलब ये है कि इनका जो लाइफ है दैट इज लेस देन सिक्स मंथ मतलब सिक्स मंथ तक ये एटमोसफेयर में रह सकते हैं उसके बाद ये किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे या कोई नया कॉम्पाउंड बना लेंगे राइट right? तो इस तरीके से ये शॉर्टलिव हेलोजेंस जो हैं इनका लाइफ काफ़ी शॉर्ट है और सिक्स मंथ से कम होता है इनका लाइफ जनरली और हमारे अर्थ के ऊपर कूलिंग जो है वो क्रिएट करते हैं अब ये मिलते कहाँ से ये तो हमें पता है कि ओशन से निकल रहे हैं लेकिन ओशन में मरीन फाइटो हो गए एलगीज हो गए कुछ एबायोटिक सोर्सेज भी होते हैं फ्रॉम ओशंस एंड प्रोपोस्फेरिक केमिस्ट्री जिसके कारण ये हेलोजिन जो है ये एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाते हैं ठीक है तो इतने पार्ट में कोई डाउट या क्वेश्चन किसी को ये शॉर्ट लिव्ड पोल्यूटेंट पे क्वेश्चन था एक 2017 में क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन नो रिड्यूस मतलब रिडक्शन टारगेट होता है उनका उसमें क्वेश्चन था कि मीथेन शॉर्ट या लॉन्ग लिव्ड है

ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मीथेन का बट शॉर्ट है इसलिए थोड़ा सा इसको नजरअंदाज कर देते हैं बट कुछ इनिशिएटिव्स में हम स्पेसिफिकली इसको टारगेट कर रहे हैं कि अगर इसको टारगेट कर लेते हैं तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम थोड़ा सा फास्ट कम कर सकते हैं करेक्ट ये भी एक रीजन है और एक रीज़न है ये मिथेन है इसका मतलब लाइफ खत्म हो जाती है तो ये सीवो में कन्वर्ट हो जाता है तो सीवो का भी हंड्रेड ईयर्स तक वो लाइफ स्पैन है

तो नीति आयोग ने अपना एक रिपोर्ट रिलीज किया है टुअर्ड्स डी कार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अस्टॉक टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशन इन जी ट्वेंटी रिपोर्ट ठीक है तो बस ये रिपोर्ट पता होना चाहिए डी कार्बनाइज करना है ट्रांसपोर्ट को किसने निकाला है नीति आयोग ने निकाला है और क्यों हम ट्रांसपोर्ट पर फोकस करें क्योंकि ये भी वन ऑफ द टॉप टेन इंडस्ट्रीज या सेक्टर है जो कि कार्बन एमिशन करता है राइट तो ये पता होना चाहिए बाकी इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं वो हमारे लिए कोई काम के नहीं है वो कहीं काम नहीं आएंगे नेक्स्ट देखो कपल्ड मॉडल इंटर कंपेरिजन प्रोजेक्ट सी एम आई पी सिक्स एक्सपेरिमेंट्स तो ये कौन रन कर रहा है ये वाला जो प्रोजेक्ट्स है या दिस इज रन बाय द वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम विच इज स्पॉन्सर्ड बाय इंटरनेशनल साइंस काउंसिल एंड वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल ओशन ओशनोग्राफिक कमीशन ऑफ यूनेस्को ठीक है तो ये तीन एजेंसीज मिलके ये कपल्ड मॉडल इंटर कंपेरिजन प्रोजेक्ट क्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट रन कर रही है और ये याद रखना बेसिकली इसमें ना अर्थ रिलेटेड हम सिस्टम बना रहे हैं राइट right? क्योंकि जो नॉर्मल इन्वायरमेंट होता है या इन जनरल जो अर्थ के ऊपर जो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है उनमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उन्हें एक सिंपल कंप्यूटर मॉडल से नहीं समझा सक, स, जा सकता इसलिए यहाँ पे एक अर्थ सिस्टम मॉडल क्रिएट किया जाता है कंप्यूटर के ऊपर जो कि बहुत सारे वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करता है जैसे एटमोसफेयर हो गया ओशन हो गया लैंड हो गया आइस हो गया बायोस्फेयर हो गया एरोजोल्स हो गया ठीक है पॉल्यूशन हो गया इन सबक इंटीग्रेट करके और उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर पाएंगे जिससे हम अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है या जो क्लाइमेट है उसको और बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे राइट तो दिस स्टडी इज सपोर्टेड अंडर द क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ठीक है तो ये पता होना चाहिए इंडिया से भी इसको सपोर्ट किया जा रहा है और इंडिया के कुछ और इनिशिएटिव हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक जो रन कर रहा है उनके बारे में भी पता होना चाहिए जैसे हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तो इसके अंडर टोटल आठ मिशन है इसके बारे में पहले भी बताया था राइट और इसमें से हम लोगों ने इससे पहले एक मिशन देखा था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम ठीक है ये एक मिशन है अंडर द एन ए पी सी सी है कहाँ पे पढ़ा था जब हम कूलिंग एक्शन प्लान देख रहे थे वहां पर हम लोगों ने इस मिशन के बारे में भी पढ़ा था राइट इसके अलावा और क्या क्या मिशन है एन ए पी सी सी के अंडर तो आपको पता होना चाहिए एनहेंसिंग एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एक मिशन है सस्टेनेबल हैबिटेट के लिए एक मिशन है ग्रीन इनिशिएटिव के लिए एक मिशन है एग्रीकल्चर के लिए एक मिशन है सोलर के लिए वाटर के लिए राइट right? सो so, इन सब चीजों के लिए हमारे पास ऑलरेडी एन के अंडर मिशन चल रहे हैं तो ये पता होना अच्छा चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो ये बैक्टीरिया का नाम है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मिथाइलो मिथाइलोटीवी माइक्रोबियम बीस फाइव जी बी वन सी ठीक है तो बड़ा है नाम है बस याद रख लेना मिथाइल आ रहा है आगे और पीछे ब्यूरो लिखा रहा लिखा हुआ है तो जनरली इस टाइप के जो नाम है वो बैक्टीरिया के ही मिलेंगे ठीक है माइक्रोबियम ये सब जो है जनरली बैक्टीरियाज के नाम होते हैं तो अगर कहीं पे ऐसा लग रहा है कि वर्ड एसोसिएशन कर पा रहे हो तो वहां पे रिस्क ले सकते हो मतलब एक कैलकुलेटेड गैस ले सकते हो नाइनटी परसेंट ऑफ द टाइम वो बैक्टीरिया ही निकलेगा ठीक है तो ये जो बैक्टीरिया है ये अभी न्यूज में क्यों है बिकॉज दिस इज अट्रॉप मिथेनोट्रॉप मतलब मिथेन ईटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है तो इसको हम कहाँ पे लगा सकते हैं वी कैन यूज दीज बैक्टीरिया टू रिमूव मिथेन फ्रॉम मेजर एमिशन साइट्स लाइक लैंडफिल्ड्स पेडीफी ऑयल एंड गैस विल्स राइट तो आपको पता है मिथेन जो है एक मेजर मेजर ग्लोबल वार्मिंग गैस है रीजन बिंग इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल काफी ज्यादा है अराउंड ट्वेंटी टाइम्स है एज कम्पेयर टू सी तो इसलिए इसको रिड्यूस करना इसको इसका जो एमिशन है इसको कम करना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एस फॉर दैट रीजन ये जो बैक्टीरिया काफ़ी काम आएगा अगर इस बैक्टीरिया को हम डिप्लॉय कर देते हैं लैंडफिल्स पे पेडी फिल्ड्स मतलब जो राइस की जो खेती है ऑयल और गैस वेल्स हैं उनके आसपास इन्हें डिप्लॉय कर देते हैं तो उससे जो रिलीज हो रहा है मिथिन का वो कम हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हमें ये कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग गैसेज को टैकल करने में बहुत हेल्प करेगा इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया है जब मिथेनोट्रॉप मिथेन को कंज्यूम करेगा तो उससे कुछ बायोमास प्रोड्यूस करता है दिस बायोमास कैन बी यूज एज अ फीड इन एक्वाकल्चर ठीक है तो जो एक्वाकल्चर में आप इसको एज अ फीड प्रोडक्ट या एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल भी कर सकते हो इसका जो बायो प्रोडक्ट या बायोमास निकलता है उसको राइट फॉर दैट रीजन एक इम्पॉर्टेंट बेसिकली कह सकते हैं बैक्टीरिया है या हम हमें हेल्प करने वाला एक बैक्टीरिया है इस पूरे मैकेनिज्म को हम बायोरेमिडिएशन भी बोल सकते हैं एक तरीके से ठीक है ये पता होना चाहिए आगे चलते हैं नेक्स्ट फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट लो कार्बन हेल्थ सिस्टम ज्यादा काम का नहीं है कोई सिग्निफिकेंट डिटेल नहीं है बस इसमें एक चीज याद रख लेना एक इनिशिएटिव है व्हिच इज द अलायंस फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ गोल्स तो ये डब्ल्यूएचओ का एक इनिशिएटिव है और ये एक इनफॉर्मल और वॉलेंट्री नेटवर्क है मतलब जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं फंड क्लाइमेट चेंज को और उससे रिलेटेड जो हेल्थ गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए इससे ज़्यादा इसमें कुछ काम का नहीं है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप तो ये बेसिकली अभी न्यूज में इसलिए था बिकॉज uh, एक टू पॉइंट फाइव बिलियन यूरोज का एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप जो है अनाउंस किया गया है फॉर सेनेगाल ठीक है सेनेगाल पता है कहाँ पे अफ्रीका so, में वेस्ट अफ्रीका करेक्ट वेस्ट वेस्ट अफ्रीकन कंट्री वेस्ट अफ्रीकन कंट्री राइट तो वहाँ पे उसके लिए एक जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप अनाउंस किया गया ठीक है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन का मतलब क्या है ये एक बेसिकली फाइनेंसिंग मैकेजम है टू सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज ताकि वो अपना जो एनर्जी है जो कि ट्रेडिशनल एनर्जी विच इज द फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जो कि काफी ज्यादा कार्बन इमिशन करता है उससे उनको ट्रांजिशन करा के उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ हम लेके जाएं ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है कब इनिशिएटिव आता तो दिस वाज इनिशिएटेड एट द कॉप 26 इन ग्लासगो 2021 और सेनेगाल जो है बेसिकली फोर्थ कंट्री है जिसको ये जेट पार्टनरशिप के थ्रू हम हेल्प कर रहे हैं राइट सो इससे पहले कौन कौन सी कंट्री थी इससे पहले साउथ अफ्रीका था इंडोनेशिया था और वियतनाम दे हैव ऑल्सो साइंड दिस जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप इंडिया इसमें सिग्नेटरी नहीं है तो याद रखना राइट right? तो इसमें दो ग्रुप ऑफ कंट्री एक तो जिन्हें मदद मिलेगी और दूसरा ग्रुप ऑफ कंट्री है जो मदद करेंगे तो जो मदद करेंगे वो कौन सा कंट्री होंगे जनरली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो हेल्प करेंगे राइट right? तो यहाँ पे डोनर कंट्रीज में आप देख सकते हो यूएस कैनेडा डेनमार्क फ्रांस जर्मनी तो सारे जो डेवलप्ड नेशंस है वो इसमें रहेंगे और वो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको हेल्प करेंगे ताकि वो ट्रांजिशन कर सकें टू क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज तो दिस वाज जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप फॉर यू आगे चलो नेक्स्ट देखो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव अगेन बहुत ही ऑप्सक्योर सा एक इनिशियेटिव है और एक बहुत ही ऑप्सक्योर रिपोर्ट निकालता है ठीक है मतलब ज़्यादा लोग जानते नहीं है तो बस देख लेना ग्लोबल क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ये एक रिपोर्ट निकालता है क्लाइमेट ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट ठीक है अब ये नाम से ही पता लग रहा है क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में बात करें इससे ज़्यादा काम का इसमें कुछ भी नहीं है आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो कुछ इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि न्यूज़ में थे विद रिगार्ड्स टू द क्लाइमेट चेंज जो हमें पता हूँ भी होने चाहिए पहला देखो इसमें यू के बारे में तो सभी लोगों ने सुना ही होगा तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी है जो कि बहुत सारे ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा जो है उसको फॉर्मुलेट करती, करती है या वर्ल्ड के सामने डिबेट के लिए रखती है राइट right? तो so ये जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम है दिस वाज एस्टैब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी टू फॉलोइंग द यू कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट ठीक है बहुत ही फेमस कॉन्फ्रेंस था इसको एक और नाम से जाना जा सकता जाना जाता है कोई बता सकता है और क्या नाम होता है इसका स्टॉक कॉन्फ्रेंस वेरी गुड स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे स्टॉकहोम स्वीडन करेक्ट तो एक ना बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों को लगता है स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस और स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ही चीज है लेकिन ये नहीं है कॉन्फ्रेंस मैंने कल भी बताया था कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन और प्रोटोकॉल में क्या डिफरेंस है कल बताया था अगर किसी को याद नहीं हो तो पूछ लेना ठीक है यार समझ में नहीं आया तो पूछना बाकी कल बताया था ठीक है तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए दिस वॉज ओनली अ कॉन्फ्रेंस यहाँ पे जो हेड ऑफ़ द स्टेट्स है या जो इंपॉर्टेंट डिग्नेट्रीज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के आके मिले उन्होंने एक मीटिंग करी जिसका रिजल्ट जो था फिर वो यू निकला ठीक है तो दिस वॉज यू एन ई पी वॉज इस्टेब्लिश इन नाइनटीन सेवेंटी टू उसी साल uh, ये वाला जो कॉन्फ्रेंस था यू एन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट जिसे हम स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं ये हुआ था और उसी कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट यू एन ई पी था इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जिसका हेडक्वार्टर है नेरोबी केनिया में राइट right? और इसके अंदर 193 मेंबर कंट्रीज हैं ठीक है जो यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं वो इसमें पार्टीज है या मेंबर्स हैं और इंडिया भी इसमें इंक्लूडेड है अब एक चीज़ इसमें खा, खास बात जो अपने लिए जानने लायक है विच इज़ इसका जो फंडिंग है ज़्यादातर इसमें जो नाइन्टी इसका जो टोटल फंडिंग है वो वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है ठीक है मतलब अगर कंट्रीज चाहते हैं तो वो डोनेट कर सकते हैं इसको अदरवाइज कंट्रीज़ के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू फंड द यू ठीक है तो यहाँ पे ये यह याद रखना है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन है और नाइन्टी फाइव परसेंट पैसा इसको उन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू आता है इसके अलावा ये बहुत सारे डिफरेंट जो कन्वेंशन हैं उनके लिए एज अ सेक्रेटेरिएट काम करता है यानी उनके लिए जो ऑफिस स्पेस है वो प्रोवाइड कराता है जैसे इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इको सिस्टम सर्विसेज आई इसके लिए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड कराता है इसके अलावा आई है विच इज़ इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये जो आईपीसीसी है दिस इज जॉइंटली होस्टेड मतलब यू भी करता है इसके साथ साथ वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी इसको होस्ट करती है ठीक है इसके अलावा बहुत सारे जो मल्टी लेटरल एग्रीमेंट्स है यू के अंडर हुए ठीक है तो ये टोटल जो नंबर है दिस गोज अराउंड फिफ्टीन फिफ्टीन टोटल जो आ, कह सकते हैं कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो है वो यूएनईपी ने फॉर्मुलेट करवाए हैं ठीक है तो पता होना चाहिए और थोड़ा क्रोनोलॉजी का भी अपने को आइडिया होना चाहिए तो पहला देखो पहला है इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एंड फ्लोरा 1973 का साइट्स है ठीक है उसके बाद कंजर्वेशन या कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज जिसे हम टी या बॉर्न कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं नाइनटीन में आया था ठीक है ये सारे कन्वेंशन पता होने चाहिए और उसका बेसिक एम क्या है तो उसके बारे में एक फंक्शनल आइडिया आप सभी को होना चाहिए ठीक है क्योंकि ये वाले जो है कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है तो ये सारे कन्वेंशन रटे होने चाहिए क्रोनोलॉजी याद रहे तो ठीक है नहीं भी याद रहे तो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए काम क्या करती है तो बॉन्ड कन्वेंशन किस लिए होता है माइग्रेटरी स्पीसीज के प्रोटेक्शन के लिए होता है फिर नेक्स्ट है अवियाना कन्वेंशन कल भी हम लोगों ने देखा था अवियाना कन्वेंशन दिस वॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर नाइनटीन में आया था ठीक है इसी के अंडर हम लोगों ने बाद में क्या देखा था एक प्रोटोकॉल आता है जिसे हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बोलते हैं और फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर भी एक अमेंडमेंट आता है कोई बता सकता है क्या नाम था उसका की गाली है करेक्ट था ठीक तो पता होना चाहिए नेक्स्ट देखो बेजल कन्वेंशन है बेजल कन्वेंशन ऑन द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हिजार्डियस वेस्ट एंड एंडलटीन एटी नाइन का है ठीक है तो याद रखना हिजार्डियस वेस्ट की बात करें यहाँ पे हिजार्डियस वेस्ट इज द कीवर्ड और बेसल कन्वेंशन से, से रिलेट करता है नेक्स्ट हमारे पास कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आया सी बी डी के अंदर नेक्स्ट है रोटरडैम कन्वेंशन तो याद रखना इसमें एक कीवर्ड है इज प्रायर इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट मतलब अगर आपको कोई हेजारियस केमिकल या पेस्टिसाइड अगर आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसपोर्ट करना है तो ऐसे में आपको पहले प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा जिस कंट्री में आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ठीक है उसे प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं तो याद रखना बेजल कन्वेंशन और रोटर कन्वेंशन में डिफरेंस क्या है कन्वेंशन द वेस्ट ठीक है जो कचरा है जो कि डेंजरस हो सकता है उससे आ, उससे रिलेट करता है बट रोटर डैम कन्वेंशन जो है नॉर्मल जो केमिकल्स होते हैं उनसे डील करता है ठीक है फिर नेक्स्ट देखो स्टॉक होम कन्वेंशन जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कि एक तो हम लोगों ने स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस देखा नाइनटीन सेवेंटी टू का स्टॉक होम कन्वेंशन भी है वो क्या है वो टू का है ठीक है एंड दिस रिलेट्स टू persistent organic pollutants pop ठीक है नेक्स्ट देखो मीनामाटा कन्वेंशन है व्हिच इज ऑन मरकरी और 2013 का ये कन्वेंशन है तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं यूएन ईपी के अंडर हुए ठीक है तो ये पता होना चाहिए सारे के सारे ये जो साइट्स लीगली बाइंडिंग है इनमें लीगली बाइंडिंग है होता है नहीं नहीं साइट्स लीगली बाइंडिंग है ये ट्वेंटी फिफ्टीन में पी वाई क्यू एस पे और ये क्या जैसे राम कंडीशन जो नेशनल लॉज उसकी प्लेस नहीं ले सकता तो साइट्स ले सकता है प्लेस नेशनल लॉज की नहीं ले सकता करेक्ट नहीं ले सकता प्लेस तो ये भी उसमें ही था और इसके लिए अभी हम लोगों ने डब्ल्यू में अमेंडमेंट किया है ताकि हम साइट्स के साथ कंप्लाइंट हो जाएं। WPA का amendment भी चाहिए आपको। I think schedule four... हाँ, four correct. में ना। correct, correct. चेडूल चेडूल four. हाँ, आगे आएगा आएगा तब। तब हाँ, ही है। आगे आगे और करेंगे इसके बारे में। आगे चलते हैं कुछ रिपोर्ट्स भी निकालते हैं जो अपने को पता चाहिए। पहला देखो अडेप्टन गैप रिपोर्टेशन गैप रिपोर्ट में बेसिकली यही बोलता है कि जो पैसा हमें चाहिए बेसिकली अडेप्ट टू द क्लाइमेट चेंज और उसके इफेक्ट्स को टैकल करने के लिए जो पैसा चाहिए वो अभी जो पैसा आ रहा है उससे काफ़ी कम है ठीक है तो एनुअली ये जो गैप है कि जितना पैसा हमें एक्चुअली में चाहिए और जितना पैसा मिल रहा है इसके बीच में ये जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है राइट अभी नंबर कितना है अगेन काम का नहीं है बस आपको पता होना चाहिए अडेप्टन गैप रिपोर्ट है उसका तो मतलब क्या है और कौन निकालता है ठीक है निकालता कौन है तो यू निकालता है नेक्स्ट देखो एमिशन गैप रिपोर्ट तो एमिशन गैप रिपोर्ट क्या बताता है बेसिकली हमारा जो टारगेट है पेरिस डील के अंदर हमारा टारगेट है ये कि हम दो डिग्री सेल्सियस तक तो टेम्परेचर को बढ़ने ना दे ठीक है दो डिग्री सेल्सियस से, से ज्यादा बट वी हैव टू ट्राई कि फाइव डिग्री सेल्सियस तक ही हम रोक लें ठीक है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा एमिशन को कम करना पड़ेगा राइट सो तो हमारा एक टारगेट है कि एमिशन को कितना कम करना है बट हम उस टारगेट तक अचीव नहीं कर पा रहे हैं राइट तो वो जो सेट टारगेट और जितना हम एक्चुअली करें उसके बीच में जो गैप है वो एमिशन गैप रिपोर्ट बताती है अगेन नंबर याद रखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये नंबर अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग मिलेंगे राइट right? सुबह so बस इतना पता होना चाहिए कौन निकालता है ये रिपोर्ट इसके अलावा ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक नाम की भी एक रिपोर्ट निकालता है ठीक है तो ये तीन रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है बाकी छोटी मोटी रिपोर्ट्स और भी देख सकते हो आप बट आई डोंट थिंक फिल्म परस्पेक्टिव से वो पूछी जाएंगी राइट सो वी कैन स्किप दैट और आगे चलते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पे ये कॉमन कार्बन मैट्रिक कौन रिलीज करता है मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन राइट करते ऊपर ही था ना ये 2021 में आया था क्वेश्चन नहीं कॉमन कार्बन मैट्रिक कॉमन कार्बन मैट्रिक और राइट right, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट देखो ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू एम ओ वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तो ये स्पेशलाइज एजेंसी है यू एन का और अर्थ की atmosphere related के एटमोसफेयर से रिलेटेड एक अथॉरिटेटिव बॉडी है ठीक है कि अर्थ के एटमोसफियर के बारे में जो भी डेटा होगा या फिर कोई भी रिपोर्ट वगैरह होगी इंपॉर्टेंट वो ये ऑर्गेनाइजेशन निकालती है डब्ल्यू एम ओ

राइट तो अगेन नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है बिकॉज ये सारी चीज़ें आप थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से भी गेस कर सकते हो तो okay? so बस रिपोर्ट का नाम बताना चाहिए और कौन निकालता है अगर इतना भी है तो काफ़ी हद तक आप सॉल्व कर पाओगे आंसर्स को नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन निकालता है राइट right? जिसके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का कितना कंसेंट्रेशन है उसके बारे में ये बताता है तो so यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर है सभी ग्रीन हाउस गैसेज के लिए वो बड़ा ही है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल लेवल तो ये पता होना चाहिए नेक्स्ट देखो नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज ठीक है तो अभी हम लोगों ने देखा एटमोस्फेर से रिलेटेड तो एस्पेक्ट निकालता है साथ ही साथ जो वॉटर रिसोर्स रिपोर्ट है वो ये निकालता है राइट right? तो ये स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज जो 2022 का जो रिसेंट रिपोर्ट था उसमें बेसिकली ये बोला गया ओवर फिफ्टी परसेंट ग्लोबल कैचमेंट रिजर्वर्ल्ड शोड डेविएशन मोस्टली ड्रायर देन यूजुअल ठीक है जितने भी कैचमेंट एरिया है जो भी पानी के रिजर्व हैं सब जगह जो है हमें ड्राइनेस uh, देखने को मिली मतलब अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो कम हुआ है सभी जगह पे राइट right? मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट कम हुआ है नेक्स्ट uh, कई जगह जो है एनमोली भी देखने को मिली है सॉइल मॉइस्चर में और वैपोट ट्रांसपोरेशन uh, में ठीक yeah, है इसके अलावा एक uh, यहाँ पे कीवर्ड इस्तेमाल किया गया था विच वॉज द एशियन वाटर टावर

रीजन से इनके अलावा इतना ज़्यादा अमाउंट में ग्लेशियर जो है इस रीजन में ही मिलता है ठीक है तो यहाँ से क्या होता है बहुत सारी रिवर्स निकलती है राइट अब नाम तो बताने की जरूरत ही नहीं है रिवर्स आप सारी जानते हो इंडिया में जैसे गंगा हो गया ठीक है यमुना वगैरह हो गया फिर आप चाइना साइड में देखोगे तो मैकोंग हो गया ठीक है ब्रह्मपुत्र हो गया राइट सो बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स जो हैं इन ग्लेशियर से निकलती है एंड फॉर दैट रीजन इसे एशियन वाटर टावर भी बोलते हैं तो यहाँ पे भी जो ग्लेशियर्स का जो टोटल मास है वो रिड्यूस होता हुआ हमें देखा ठीक है नेक्स्ट और कुछ रिपोर्ट्स ये निकालता है जैसे ग्लोबल क्लाइमेट टू थाउजेंड रिपोर्ट मतलब एक टिकट में कैसा ग्लोबल क्लाइमेट रहा उसके बारे में स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023 ग्लोबल एटमोसफेयर वॉच एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो डब्ल्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है वो निकालती है ठीक है इतने पार्ट में कोई एडिशन करना है? या कुछ डाउट है तो पूछिए IPCC का रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? नहीं नहीं वो यूएनएपी और डब्ल्यूओ निकालता है ना ऊपर यूएनएपी के सेक्शन में भी था और WMO साथ में है तो दोनों साथ में मिलकर निकालते हो ठीक hmm. है सेक्रेटरी तो... भी अपना रिपोर्ट निकाल के उनको देता होगा और ए पी, आ, -पी -सी -सी का जो रिपोर्ट होता है उसका नाम याद है क्या बोलते हैं उसे असेसमेंट रिपोर्ट रिपोर्ट निकालते हैं नंबर है इनके ठीक है अभी जो सबसे लेटेस्ट जो रिपोर्ट चल रहा है दैट इज सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट सो आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर चालू करते हैं पोल्यूशन तो इसमें पहला टॉपिक देखो एयर पोल्यूशन तो इसमें फर्दर further... राइट तो ये वाला देख लो एमिशन नॉर्म्स ऑफ कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स तो ये बेसिकली हम लोगों ने देखा भी था कि हमारा टोटल एनर्जी मिक्स है उसके अंदर करंटली जो एक्चुअली ऑपरेशनल है उसमें फिफ्टी वन परसेंट जो है वो कोल से आ रहा है ठीक है और कोल आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटिंग होता है इन द सेंस कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा होता है इसके साथ साथ बहुत सारे पॉल्यूटिंग गैसेस भी रिलीज करता है ठीक तो है तो यहाँ पे याद रखना है ओनली सेवेंटी सेवन कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट्स हैव इंस्टॉल्ड गैस हैिफिकेशन और सर्कुलेटिंग फ्ल्यूडाइज्ड वेल्ड कम्बशन सी बी एफ सी ये बेसिकली बॉयलर्स के लिए इस्तेमाल होती है ये टेक्नोलॉजी ठीक है बॉयलर्स क्या होते हैं बॉयलर बेसिकली एक चेंबर होता है जहाँ पे आप पानी को हीट करते हो पानी को हीट करके उससे क्या करते हो स्टीम जनरेट करते हो ठीक है फिर वो स्टीम कहां टकराती है वो स्टीम जो है टर्बाइन पे टकराती है और जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ठीक है तो ये दो टेक्नोलॉजी है जिससे हम जो है पॉल्यूशन uh, जो हो रहा है थर्मल पावर प्लांट से उसको कम कर सकते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजी है केवल सेवेंटी सेवन कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यूनिट में लगा हुआ है विच इज ओनली सेवन परसेंट ऑफ द टोटल कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ठीक है तो ये जो बेसिकली पॉल्यूशन कम करने के जो मेजर्स है केवल आठ परसेंट जो हमारे कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहीं पे लगे हैं ठीक okay, है तो ये पता होना चाहिए अब क्यों तो लगाने की जरूरत है इस टाइप के एनवायरमेंट uh, फ्रेंडली या लेस पॉल्यूटिंग टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत क्या पड़ी तो इसको पीछे रीज़न है एम का मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का एक नोटिफिकेशन

तीन कैटेगरीज में थर्मल पावर प्लांट्स को बांटा गया था ठीक है अब ये तीन कैटेगरी ए बी सी है और फिर ए बी सी में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं ए कैटेगरी में वो थर्मल पावर प्लांट्स आएंगे जो कि लोकेटेड है विद इन टेन किलोमीटर रेडियस ऑफ डेली एन सी आर या फिर ऐसी सिटीज़ जिनमें पॉपुलेशन टेन लाख से ज़्यादा है तो जितने बड़े बड़े मेट्रोपोलिटन सिटीज हो गए उसके आसपास जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो कैटेगरी ए में आएंगे और उनको कंप्लाई करना पड़ेगा दोज एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज ठीक है और उनके लिए डेडलाइन भी दिया गया डिसंबर थर्टी वन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर तक उन्हें वो सारे जो एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है वो लगवानी पड़ेगी ताकि उनका जो एमिशन है पॉल्यूटिंग गैसेज का वो कम हो जाए नेक्स्ट कैटेगरी बी है यहाँ पे टेन किलोमीटर रेडियस ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज और नॉन अटेनमेंट सिटीज़ के नॉन अटेनमेंट सिटीज कौन सी है जो कि कंप्लाई नहीं करती अंडर द नेशनल एम्बियट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड राइट तो ऐसे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है जो कि कैटेगरी बी में आते हैं उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा बाय द ईयर 2025 दिसंबर 31 फिर कैटेगरी सी है जो कि सभी पावर प्लांट्स के ऊपर लागू होगी एंड यहाँ पे जो डेडलाइन है दैट इज दिसंबर 2026 ठीक है तो ये पता होना चाहिए राइट सो तो ये डेडलाइंस है और तीन कैटेगरीज है अब इससे रिलेटेड एक और न्यूज जो है जो आपको पता होना चाहिए इनको यूज करना पड़ेगा यूज ऑफ बेनिफिशिएटेड कोल अब बेनिफिशिएटेड कोल क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग जो कोल है उसको कुछ ऐसे प्रोसेस के थ्रू हम गुजारते हैं या फिर उसे ऐसे प्रोसेस के अंदर डालते हैं जिससे उसके अंदर से निकलने वाली इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ कम हो जाए ठीक है ताकि जब उसे बर्न किया जाए तो उसमें बहुत सारी जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं वो ना निकले जिससे क्या होता है फ्लायाश का जनरेशन नहीं होगा ठीक है तो फ्लायाश क्या है बेसिकली एक बाई प्रोडक्ट है या एक पोल्यूटिंग एजेंट है जिसके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं राइट ठीक है हैवी मेटल्स होते हैं जनरली कोल को बर्न करते हो तो उसमें से क्या निकलता है एक ऐश निकलती है तो ऐश तो भारी होती है इसलिए नीचे बैठ जाती है ठीक है लेकिन कुछ ऐश के अंदर ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि बहुत लाइट होते हैं और ईजिली फ्लोट कर सकते हैं राइट उन्हें हम बोलते हैं फ्लाई ऐश राइट और यूपीएससी ने इसके बारे में दो या तीन बार क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको पता होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट है फ्लाई ऐश ठीक है तो इसके अलावा फ्लायर्स एक तो कोल बेनिफिकेशन हो गया कि आप कोल को कुछ प्रोसेस के थ्रू निकालोगे जिसके थ्रू उसका जो इम्प्योरिटीज़ है वो कम हो जाए इसके अलावा जब फ्लाई फ्लायश जनरेट हो जाता है तो कोल कोल पावर प्लांट क्या करते हैं उसे एक लैंडफिल के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं लेकिन वो लैंडफिल के अंदर पड़ा पड़ा भी धीरे धीरे उड़ने लग जाता है ठीक है उसको एक पानी के मिक्सचर के साथ डाल देते हैं और कहीं पर जमा कर देते हैं धीरे धीरे क्या होता है उस पानी के अंदर जैसे जैसे फ्लाई ऐश आप ऐड करते जाओगे धीरे धीरे दल दल बनेगा दल दल से फिर धीरे धीरे वो सॉलिडिफाइड हो जाएगा और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप उसमें और ज़्यादा फ्लाई ऐश नहीं डाल सकते राइट सो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के पास भी जगह की कमी पड़ती है तो ऐसे में गवर्नमेंट ने बोला कि आप फ्लाई ऐश का इस्तेमाल कर लो और उसे कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करो ठीक है तो ये भी एक नोटिफिकेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट का कि अराउंड अ कोल बेस्ड थर्मल प्लांट 100 किलोमीटर्स के एरिया के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे नेसेसरीली आपको फ्लाई ऐश को यूज़ करना है फ्लाई ऐश को आप कैसे यूज़ कर सकते हो आप उसकी ब्रिक्स बना सकते हो ईटें बना सकते हो ऐसे में जो ईंटे बनेंगी वो लाइटर होंगी एज कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल ब्रिक्स और इसके साथ साथ वो ज़्यादा ड्यूरेबल भी होंगी राइट या फिर जनरल कोई कंस्ट्रक्शन पर्पज है उसमें भी आप फ्लाई ऐश को यूज़ कर लो सीमेंट के साथ ठीक है तो उससे पोर्टर सीमेंट बन जाता है राइट right? अब कुछ और टेक्नोलॉजी है जो आपको बतानी चाहिए जिसको इस्तेमाल से हम लोग ये जो पोल्यूशन इसको कम कर सकते हैं जैसे लो एनओएक्स बर्नर तो हम जब आ, कोल को बर्न करते हैं तो वहां पे हम कुछ ऐसे बर्नर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे नाइट्रोस ऑक्साइड कम निकले इसके अलावा हम लाइमस्टोन इंजेक्शन कर सकते हैं लाइम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है लाइमस्टोन ठीक है तो अगर इसको ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस डाल दें तो जब सी निकलेगा तो सी इसके साथ कंबाइन हो जाएगा या सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ऐसे में जो एमिशन हो रहा था सल्फर डाइऑक्साइड का वो कम हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट सी बी एफ सी बॉयलर डाल सकते हैं जो अभी हम, हम लोगों ने देखी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू अगेन हम कम कर सकते हैं जो पोल्यूशन रिलीज होता है फ्रॉम द कोल ठीक है तो ये ड्यूरिंग कम्बशन हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें और फिर पोस्ट कम्बशन मतलब एक बार आपने कोल जला दिया उसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो आप लगा सकते हो फ्लू गैस डिसल्फ्रिफिकेशन तो ये बेसिकली एक नॉर्म हमारे जो ट्रेडिशनल कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से उनका जो एग्जॉस्ट होता है उनकी जो चिमनी होती है उसके ऊपर आप ये फ्लू गैस डिसकेशन यूनिट लगा सकते हो इससे जो निकलने वाला जो सल्फर है वो कम हो जाएगा उस फ्लू गैस में से फ्लू गैस मतलब कोल को जब बर्न किया तो उससे जो गैस रिलीज होती है उसको फ्लू गैस बोलते हैं और उसमें बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेज भी होती हैं ठीक है ठीके। इसके अलावा सेलेक्टिव कैटेलिटिक या नॉन कैटेलिटिक रिडक्शन कर सकते हो टू रेड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड्स इसके अलावा आप

मेजरलीव हैव सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड बट बेसिकली रेट है और एक क्वेश्चन है तो ये हम कोल कौन सा ग्रेड यूज करते हैं टीपीपी से टीपीपी में एंड व्हाट इज दिस कोल ब्लेंडिंग आई थिंक एंथ्रासाइट हाईएस्ट होता है और बिटोमिनस होता है तो लार्जली इंडिया के अंदर तो वही यूज करते हैं ना एंथ्रासाइट और बिटोमिनस हाँ करेक्ट ब्लेंडिंग मतलब ये हाई ग्रेड कोल को अभी को जो हम हमारे यहाँ मिलता है उस कोल से मिक्स कर देते हैं तो इंक्रीज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू तो दिस इज कोल ब्लेंडिंग और वॉशिंग भी वही है सो डस्ट पार्टिकल्स एंड ऑल आर बीइंग रिमूव्ड ऑन द कोल सो दैट कंबशन इज इंप्रूव कोल के हां बोलिए बोलिए आप बोलिए ये कहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं अभी कोल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से करते हैं ज्यादातर तो करेक्ट करेक्ट एब्सोल्युटली पहले ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा करते थे लेकिन अभी इसका शेयर इंडोनेशिया ने ले लिया है अभी इक्वली वी गेट फ्रॉम इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया एंड uh, थोड़ा हम यूएस से भी इंपोर्ट करते हैं एंड रशिया वाइज भी राइट right. uh, इसके अलावा अगर कोल के ग्रेड की बात करें ठीक है तो आपको पता है डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है वही कई सालों तक तो जब अर्थ के अंडर पड़ा रहता है तो कोल में डेवलप हो जाता है तो इसकी भी ग्रेड्स होती हैं सबसे लो ग्रेड क्या होता है दैट इज़ कॉल्ड पीट ठीक है पीट के बाद क्या आता है लिग्नाइट आता है लिग्नाइट के बाद क्या आता है विटोमिनस आता है और फिर सबसे हाइएस्ट ग्रेड ऑफ जो कोल है दैट इज एंथ्रेसाइट तो इंडिया में लार्जली जो है हम इन दो के बीच में वेरी करते हैं ये नहीं है हमारे पास तो इंडिया में ये वाले दो जो है ज़्यादा है राइट और जैसे मैम ने बताया कि हम जो ज़्यादातर इम्पोर्ट करते हैं वो ये एंथ्रासाइट और ब्यूटामिनस का ही कॉम्बिनेशन इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से करते हैं बट इंडिया के अंदर बहुत सारा कोल अभी भी ब्यूटामस और लिकनाइट के फॉर्म में तो उसे भी यूज करना है ऐसा तो है नहीं कि हम उसको पड़ा रहने दें ठीक है उसको यूज़ करना पड़ेगा इसीलिए मैम ने बोला जैसे कोल ब्लेंडिंग जो है वो ये जो प्रपोर्शन है कि जो इम्पोर्ट से फुलफिल करें

has been implemented by caqm and in 2022 grap has been enforced uh, based on the aqi so air quality uh, index is may uh, uh, can anybody name the eight pollutants so pm 2.5 pm 10 or no2 so2 or carbon monoxide or ozone अलावा or i think अन्न अमोनिया और लेड होगा मेरे ख्याल से। That's right, that's right। so, ये एट पोल्यूटेंस है एयर क्वालिटी इंडेक्स के। तो ये ट्वेंटी ट्वेंटी टू में जीआरएपी हस्बैंड इंफोस बेस्ड ऑन दिस। Then ये ओल्ड वर्शन ऑफ जीआरएपी बस इंफोस बेस्ड ओनली ऑन द पीएम टू पॉइंट फाइव एंड पीएन टू पॉइंट टेन। अभी न्य स्टेज वन में क्या है पोअर एयर क्वालिटी है सो पोअर एयर क्वालिटी में इट हैज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इसमें ओवर एज डीजल पेट्रोल व्हीकल्स ये सब ये रोक दिया जाएगा एंड न्यू एडिशन क्या है इसमें सिटीजन चार्टर इट प्रिफर्स हाइब्रिड व्हीकल्स और ईवीज टू कंट्रोल व्हीकुलर पोल्यूशन एंड दे डू नॉट ड्राइव टेन फिफ्टीन ईयर ओल्ड डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स तो ये न्यू एडिशन है एंड स्टेज टू इज वेरी पोअर क्वालिटी एंड इसमें पहले दे यूज टू बी रेगुलेशन ऑन डीजल जनरेटर सेट अभी न्यू एडिशन क्या है एनश्योर्स फोकस्ड एंड टारगेटेड एक्शन ऑन द प्रिड सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एडवर्स एयर क्वालिटी ठीक है स्टेज थ्री इज क्वालिटी एंड इसमें एनसीआर ये गवर्नमेंट ऑफ एन डेली

And ozone and carbon monoxide, lead and ammonia. AQI com uh, communicates air quality status using six categories. Ye ek bar categories dekhle na. Good, satisfactory, moderate. Yeh colour uh, coding bhi Green is good. And severe uh, wala, I think, this is red. And about CPCB, uh, it's a statutory organisation. And uh, it was constituted under first... Under वॉटर पोल्यूशन नाइनटीन सेवेंटी फोर एक्ट एंड उसके बाद अंडर एयर पोल्यूशन इट गॉट इट्स पावर एयर पोल्यूशन एक्ट नाइनटीन एटी वन ठीक है सीपीसीबी अलॉन्ग विद स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्डिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजि पोल्यूशन नेक्स्ट आता है इसके मेजर इनिशियेटिव क्या है सीपीसीबी के नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम इसमें नेशन वाइड इट इज अ नेशन वाइड प्रोग्राम फॉर एम्बियट एयर अंडर एन एन एम पी फोर एयर पोल्यूटेंटिड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग तो ये चार विल बी अंडर रेगुलर रेगुलर मॉनिटरिंग सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर एस पी एम दैट इज रेस्परेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पीएम टेन देन फाइन पार्टिकुलेट मैटर दैट इज पी एम टू पॉइंट फाइव ठीक है इसके अंडर प्राना पोर्टल

पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड होते हैं उसमें ये जो ए के आठ है ना उसमें और दो तीन ऐड हो जाते हैं जैसे बेंजीन हो गया आर्सनिक हो गया उसमें ट्वेल्व ऐसे है पॉल्यूटेंट्स बेंजीन हाँ बेंजो आर्सनिक के नीचे लगा हाँ बेंजीन एक्यू में आर्सनिक CO2... नहीं बोलो 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 एक्वायर में सीओ मेजर करते हैं नो कार्बन मोनोक्साइड होती है राइट तो इस पे भी पीवाई क्यों था 2017 में था शायद राइट एक एक और है ना सफर करके तो वो पूरे इंडिया के लिए या किसी स्पेसिफिक सिटीज के लिए है? क्या है वो तो वो चार सिटीज के लिए सिर्फ न्यू दिल्ली मुंबई पुणे और अहमदाबाद आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंडर आता है राइट 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 ठीक है नेक्स्ट वन इज रेगुलेशन ऑन फायर क्रैकर्स तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अप्लाई न्यू रेगुलेशंस ऑन फायर क्रैकर्स सो ये सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड 2021 दैट uh, इट्स uh, 2021 डायरेक्शंस अगेंस्ट बेरियम एंड बैंड केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स आर नाउ एप्लीकेबल अक्रॉस कंट्री तो बेसिकली बेरियम एंड बैंड केमिकल क्रैकर्स ये रूल्स नाउ विल अप्लाई फॉर द अक्रॉस द कंट्री ये ग्रीन क्रैकर्स आर परमिसेबल फॉलोइंग द डायरेक्शंस इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018 इसमें ग्रीन uh, वैसे ग्रीन क्रैकर्स क्या है

तो यह ऊपर लिखा है जो जो हजार चीजें हैं टेबल में एक बार देख लेते हैं वो हाँ अल्यूमिनियम सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम नाइट्रेट परक्लोरो अमोनियम एंड पोटेशियम बेरियम नाइट्रेट कॉपर कंपाउंड्स एंटीमनी सल्फाइड लेड डाइऑक्साइड नाइट्रेट और नाइट्रेट और क्लोराइड सो लेड से जो भी है डाइऑक्साइड नाइट्रेट और क्लोराइड पॉइजनस ओनली देन लिथियम कॉम्पाउंड मर्क्यूरी आर्सेनिक एंड स्ट्रॉन्टियम तो ये आ ये मतलब मोटा मोटा याद रख सकते हैं जो भी अभी पे चलते हैं क्या सो दीज आर डू नॉट कंटेन एलिमेंट्स लाइक बेरियम नाइट्रेट एंड कॉजेज कॉज थर्टी परसेंट रिडक्शन इन पर्टिकुलर मैटर यूजिंग पोटेशियम नाइट्रेट एज ऑक्सीडेंट सॉरी हाँ पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज एज एन ऑक्सीडेंट

डब्ल्यू मतलब वॉटर सो येज बाई रिलीजिंग वॉटर पेपर इन द एयर डस्ट विल बी सप्रेज बाई रिलीजिंग स्टार स्टार के अंडर टी से याद रखना थर्माइट क्रैकर है ये सो डज नॉट कम्प्राइज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर एंड इट एमेट रेड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर डिस्पोजल एंड रेड्यूस्ड साउंड इंटेंसिटी दैट इज स्टार एंड सफल

Uh, electronics engineering research institute ye, uh, it's an electronics laboratory it developed safe and pollution free technology of electronic crackers to meet latent social aspirations Now, to have the feel of real crackers to ye log e crackers uh, it includes e ladi and uh, e -ladi and e anar system for e cracker show at present csir series ready with the laboratory level prototype of e ladi ठीक है एंड ई लडी इज बेस्ड ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज टू जनरेट लाइट और साउंड इफेक्ट बस इसमें इतना ही है एनीथिंग टू बी एडेड ठीक है मूविंग ऑन क्रॉप प्रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस सो दिस वाज रिवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर सो रिवाइज क्रॉप प्रेसिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस इट विल एनेबल एफिशिएंट एक्सी टू मैनेजमेंट ऑफ पैडी पैडीस्ट्रॉ ठीक है पहले इंसिटू होता था दे टू बर्न आउट द स्ट्रॉ अभी टू मैनेजमेंट तो जनरेटेड बाय पंजाब हरियाणा यूपी एंड दिल्ली स्टबल बर्निंग तो की फीचर्स क्या है इसके टेक्नो कमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट इसमें पैडी स्ट्रॉ सप्लाई चेन बनाएंगे बिटवीन बेनिफिशियरी एग्रीगेटर और एग्रीगेटर दैट इज फार्मर रूरल एंटरप्रेन्योर्स एफपीओस एंड द इंडस्ट्रीज तो पैडी पैडी सप्लाई सप्लाई चेन बनाएंगे देन गवर्नमेंट विल फॉर दिस गवर्नमेंट विल प्रोवाइड असिस्टेंस ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट सो मशीनरी एंड इक्विपमेंट के लिए गवर्नमेंट विल प्रोवाइड कैपिटल कॉस्ट इसमें सिक्सटी फाइव परसेंट विल बी प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्री एंड टेन परसेंट विल बी बोर्न बाय द फार्मर्स और रूरल ऑन्टरप्रनोर्स और एफपीओस ठीक है

इम्पैक्ट क्या है इसके एमिशंस uh, निकलते हैं इसके मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड एंड एनो पार्टिकुलेट मैटर लॉस ऑफ प्लांट न्यूट्रिय एडवर्स इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट एंड सॉइल हेल्थ सो दीज आर द इम्पैक्ट एंड रीजन क्या है स्टबल बर्निंग का वैसे अगर लेबर इंटेंसिव मेथड्स जैसे लाइक मैन्युअली पिकअप करते हैं तो वहां इट इज पॉसिबल टू रिमूव द स्ट्रॉ एज वेल बट दे यूज ट्रैक्टर्स कंबाइन हार्वेस्टर्स ये यूज करते हैं तो स्ट्रॉ रह जाता है So that's the reason they have to burn burn, burn out the uh, land, and another reason is ten days gap uh, harvesting and sowing of wheat ke mein. rice harvesting or sowing of wheat ke mein, ten days. So they have to immediately uh, uh, remove the straw. So they choose burning. So those are the reasons. Then uh, it can they also do the burning process because of pest and disease management also, right? For that purpose as well.

Yes, that's right. This is called tarification. Producing biomass pellets. Anything to be added here? Moving on. Next uh, topic is cloud seeding. So, ye researchers discuss the possibility of using cloud seeding to tackle Delhi's air pollution. So, what is cloud seeding? This weather modification technique hai to enhance precipitation by uh, dispersing substances into the air. ट द क्लाउड ठीक है तो ये कैसे कहते हैं केमिकल्स यूज किया है इसमें सिल्वर आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड सोडियम क्लोराइड और ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड सो दीज आर द केमिकल्स यूज फॉर प्रोड्यूसिंग क्लाउड सीडिंग सो कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर क्लाउड सीडिंग क्या है एक तो वी नीड वॉटर बेरिंग क्लाउड तो उसके लिए दे हैव टू बी डीप इनअ क्लाउड्स सूटेबल टेम्परेचर क्या है इसका माइनस टेन टू माइनस ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस Right, then uh, clouds should cover at least 50 percent of the target areas, and uh, clouds do not form at wind speeds above a certain level. Right, Ek toh, the clouds should not be formed, uh, like they should not be moving clouds, probably. Wo winds uh, should not form at wind speeds above a certain level, and last effective, uh, sorry, less effective when uh, relative humidity is less than 75 percent. Obviously, hum. इंड्यूस कर रहे हैं तो ह्यूमिडिटी कम होना चाहिए सो लेस देन सेवेंटी फाइव होना चाहिए एंड कोल्ड इनफ क्लाउड नीड टू कंटेन टू कंटेन सुपर कूलिड वॉटर सो क्लाउड शुड बी कोल्ड इनफ टू कंटेन द वॉटर राइट एंड सो एक बार वो डायग्राम में देख लेते हैं वॉट इज अ प्रोसेस सो फर्स्ट सिल्वर आयोडाइड इज रिलीज बाई अ प्लेन और ग्राउंड बेस्ड जेनरेटर सो एंड then second silver iodide particles reach the targeted cloud and after that silver iodide aids in the formation of ice crystals now too heavy uh, too heavy to remain in the air the ice crystals then fall often melting on the on their way down to the to form rain so this is the process basically and then uh, iske uh, like what are the types of cloud uh, seeding नीचे है देख लेते हैं वॉट आर द टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग एक है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग दैट इज डिस्पर्सिंग सोल्ट थ्रू फ्लेयर्स और एक्सप्लोजिवस इन द लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड्स ठीक है दैट इज हाइग्रोस्कोप बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक इज वॉट मॉइस्चर रिटेनिंग पार्टिकल्स को हाइग्रोस्कोपिक कहते हैं ना तो ये सोल्ट विल बी डिस्पर्स थ्रू फ्लेयर्स or explosives in the lower portions of the cloud, uh, cloud then dynamic cloud seeding that is boost vertical air currents encouraging more water to pass through the uh, clouds so uh, vertical air currents will be passed pass encouraging more water to pass through the clouds then there is static cloud it involves spreading of chemicals like silver iodide into moisture laden clouds which we have seen. that is static cloud seeding ठीक है आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक इज स्वच्छ वायु सर्वेक्षण दिस इज uh, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 ये क्लीन एयर सर्वे अवार्ड्स है इट इज एन इनिशिएटिव बाय एमओएफसीसी अंडर एनएसीपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एनएसीपी क्या है इट वाज लॉन्च्ड बाय एमओएफसीसी एज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री स्टेट्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी इन सिटीज रीजनल एंड नेशनल लेवल तो ये अम्ब्रेला

then 131 cities are categorized into three groups based on population theek hai and uh, top three cities in each category are rewarded with a cash prize or trophy theek hai basically three groups hain and uh, reports and documents further vetted by to तो ye reports and documents are made by aqmc reports and documents are uh, made by aqmc and they are examined by cpcp they uh, On the basis of the framework of MOFCC guidelines, right? Then uh, results of Swachwayu survey In First category, mein, that is million plus population, Indore has come first, and second category that is 3 to 10 lakh population, Amravati Maharashtra has ranked first, and then there is less than 3 lakh population, third category is Himachal Pradesh has ranked first. Ekbar criteria with biomass and municipal solid waste burning. Uh, road dust, dust from uh, construction and uh, demolition waste, vehicular emission, emission from industries, improved uh, pm 10 and to, uh, PM ten concentration and uh, iec activities or public awareness and other emissions. so these are the uh, criteria for such survey. anything that needs to be added here? in national clean air program, NCAPA, can launched may launch और इसका बेस ईयर क्या रखा है हम लोगों ने 2017 है ना क्या लॉन्चिंग ईयर या बेस ईयर बेस ईयर 2017 है लॉन्च ईयर मुझे नहीं पता नहीं हां लॉन्च इन 2019 और बेस ईयर 2017 इसी से रिलेटेड मतलब एक टर्मिनोलॉजी है भारत एनसीएपी तो ये इसी से रिलेटेड है या कुछ अलग इनिशिएटिव है ये उसके लिए व्हीकल सेफ्टी के लिए राइट भारत एनसीएपी व्हीकल के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम वो अलग है इनफैक्ट एनसीएपी के अंडर भी ना और नया टारगेट ईयर आ गया है तो बता तो सकते हो क्या टारगेट ईयर नया टारगेट ईयर 2030 नहीं इट इस ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स कर दिया गया है ठीक है और क्या इसमें करना क्या है आइडिया है थर्टी थ्री परसेंट रिडक्शन नहीं 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 वो पहले वो तो थर्टी थ्री परसेंट तो नहीं था पहले ट्वेंटी से फोर्टी था बट नाउ दिस नंबर हैज़ बीन उसको कंसोलिडेट कर दिया गया फोर्टी परसेंट रिडक्शन करना है फोर्टी परसेंट रिडक्शन एमिशन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बोल रहे हो आप एमिशन इंटेंसिटी नहीं पीएम 2.5 का कंसंट्रेशन इट्स अबाउट क्लीन एयर अच्छा एमिशन okay. इंटेंसिटी तो वो हमारे पंचामृत गोल में था फोर्टी परसेंट रिडक्शन करना है फ्रॉम द बेस ईयर दैट इज 2017 क्या कम करना है पीएम 2.5 या जो पोल्यूशन है ना उसको कम करना है जो नॉन अटेनमेंट सिटीज है ना नॉन अटेनमेंट सिटीज कैसे पता लगी जो कि जो नेशनल एयर क्वालिटी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे उस पर जो सिटीज फेल हो गई थी उनका एक लिस्ट बना टोटल 131 या 132 सिटीज आती हैं इसके अंदर ठीक है और उनके अंदर हमें ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके अंदर 40 परसेंट रिडक्शन करना है बाय द ईयर 2026 ठीक है पहले ये जो टारगेट था दिस वाज फॉर 2024 लेकिन गवर्नमेंट ने इसे और आगे बढ़ा दिया और उसमें टारगेट को भी और इम्प्रूव कर दिया ठीक है तो ये पता होना चाहिए ठीक है आई गेस सभी के लिए यहीं एंड करते हैं टुमारो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट पार्ट विच इज वाटर, राइट तो और कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे सेवन ओ तो बाय बाय गाइस टाटा थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू सर थैंक यू